इस बार आप मतदान करने आई हैं, बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है आपका, तो इस बार कैसा फील हो रहा है मतदान को लेकर? जो मतदान की व्यवस्था थी बहुत अच्छी है, ऐसा लगा कि जैसे किसी पवित्र स्थान में आ गए, ये प्रशंसनीय है। आजकल जो राजनीति का जो दौर चल रहा है बड़े स्तर पर, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हो, एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जो भाषा का उपयोग हो रहा है, तो वो कहाँ तक सही है आपकी नज़र में? ये बहुत दुखद है कि उच्च स्तरीय नेता जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उससे मन बहुत दुखी है और ऐसा लग रहा है कि हमारा देश किधर जा रहा है, प्रजातंत्र किधर जा रहा है। बड़ा लंबा अनुभव रहा है राजनीति का, शुरुआती राजनीति के दौर में और अब के राजनीति दौर में क्या फ़र्क देखती हैं आप? बहुत अंतर है। आज जो है राजनीति में जो लोग आ रहे हैं उनको अर्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान है, उनका जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान कम है, जो ग्राउंड लेवल पर जो समस्याएं हैं उसकी तरफ नेताओं का ध्यान नहीं है। आप किस तरीके की सरकार चाहती हैं, मतलब अब देश में कैसी सरकार बने, जो मतलब आपकी नज़र में क्या कहती है? ऐसी सरकार बने जो स्थिर हो और अपने निर्णयों से जनता की सेवा कर सके, जो गरीब तबका है उसकी भलाई के काम कर सके, और जो निजी के स्तर पर जो समस्याएं हैं उनको अच्छी तरह देख के उनका समाधान कर सके। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कितना ख्याल रखा जाता है, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपने ख्याल की कोई इच्छुक नहीं है, उनका ख्याल रखा जाए, उसमें भी अपना ख्याल रख रहे हैं।